नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब सितंबर माह के कर्क राशि वालों के लिए राशिफल देने का प्रयास कर रहे हैं। ये राशिफल जन्म की राशि परख है, चंद्र राशि परख है, और जो आपका जन्म के नक्षत्र के आधार पर जो आपका नाम निकला उसके आधार पर है। आप इस सितंबर के महीने में कर्क के नवम स्थान में बृहस्पति, जो कि भाग्य को इस महीने में बहुत अच्छी जो है वृद्धि तक लेके जाएगा, अच्छा भाग्य बढ़ेगा, धार्मिक चिंतन करेंगे और यात्राएं बहुत करेंगे और वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। ये बृहस्पति वहां से अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देखता है, धार्मिकता मन के अंदर आएगी, ज्ञान और विवेक की वृद्धि होगी और उसके द्वारा आपको लाभ भी होगा, भाइयों से अच्छा संबंध बनाएगा और संतान का सुख प्रदान करेगा। राहु आपके दशम स्थान में बैठे गए हैं, पिता का स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है, राजकीय कामों के अंदर कहीं कोई बाधा आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधी कामों में भी कहीं कोई विवाद हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो राहु की आपको शांति करनी चाहिए। और इसके साथ सूर्य जो है आपके दूसरे स्थान के ऊपर विद्यमान हैं, कुटुंब के स्थान पर, धन के स्थान पर विद्यमान हैं, तो कुटुंब की वृद्धि, धन की वृद्धि ये सूर्य आपको करवाएंगे। शनि आपके जो है सप्तम स्थान में हैं, तो सप्तमस्थ शनि अपनी राशि में है, शनि की ढैया या साढ़े साथी आपको नहीं चल रही और ये शनि आपका कोई ना कोई नया व्यापार प्रारंभ करवाएगा, पुराने व्यापार में लाभ देगा, पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाएगा और दैनिक व्यापार की वृद्धि करेगा। शनि यहां से बैठे हुए लग्न को देख रहे हैं, नवम स्थान को देख रहे हैं और मातृ स्थान चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, भूमि भवन वाहन इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई समस्या आ सकती है और क्रोध की अधिकता रहेगी, इस बात का जो है आप ध्यान रखें। बाकी अब चलते हैं दैनिक राशि फल की तरफ। तो कर्क राशि वालों को जो पहली दूसरी तारीख है ये थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी, कष्ट पीड़ा परेशानी क्लेश मन के अंदर रह सकते हैं, अकारण भय इनके अंदर रहेगा। 3-4 तारीख के अंदर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ने वालों के लिए, परीक्षा देने वालों के लिए, कंपटीशन करने वालों के लिए और इंटरव्यू देने वालों के लिए ये 2 दिन बहुत बढ़िया रहेंगे, अच्छे परिणाम देंगे, इस समय पर किया गया कार्य सफल होगा। 5-6 तारीख के अंदर आपके लिए ये विवादों से भरी हुई कष्ट पीड़ा परेशानी शत्रुता बैर विरोध इनसे भरी हुई है, तो इसकी सावधानी आपको ही बरतनी पड़ेगी। 7-8 तारीख ये आपके लिए दैनिक व्यापार के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत बढ़िया है, इसके अंदर अच्छे संबंध अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और 9-10 तारीख इसके अंदर 7-8 तारीख जो है वो आपके लिए कष्ट परेशानी की रह सकती है, 9-10 तारीख ये आपके लिए कष्ट परेशानी की रह सकती है और 11-12 तारीख ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली होगी। 11-12 में किया गया कार्य आपको लक्ष्य तक लेकर के जाएगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, अच्छा संयोग बनेगा। 13-14 और 15 तारीख ये आपके राजकीय कामों के अंदर सफलता देने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्याधिकारी की कृपा आप पर प्राप्त हो सकती है, राजनेता की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, जिसका जीवन में आपको लाभ होगा। 16-17 तारीख आपके लिए आकस्मिक लाभ की है, चाचा ताऊओं से
इनसे आपको सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। 18, 19 और 20 तारीख ये आपके खर्चों की रहेगी। हाथ को जो है भींच के चलें, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं किसी को उधार ना दें। वो पैसा आपका गर्त में जा सकता है, उलझनों में पड़ सकता है, डूब सकता है। 21, 22 तारीख, 23 और 24 तारीख ये चार दिन का माहौल आपके लिए बहुत सुखद होगा, अच्छा लाभकारी होगा। धन के लिए, कुटुंब के लिए, मन और तन के लिए हर जगह पर ये अच्छे परिणाम देने वाला है। 25, 26, 27 तारीख ये आपके पराक्रम और प्रभाव को बढ़ाने वाली है, विजय दिलवाने वाली है। मित्रों से, भाइयों से सहयोग या सहायता या उनसे लाभ ये प्राप्त करवाएगी। 28, 29 तारीख कुछ चिंताजनक रहेगी। इसके अंदर आपको कष्ट, पीड़ा, परेशानी के साथ साथ मन में क्लेश भी रह सकता है। और 30 तारीख आपके अच्छे परिणामों के लिए तैयार खड़ी हुई है। इस दिन आपको हर काम के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लाभ होगा, संतान का सुख, संतान से सुख ये आपको प्राप्त होगा। तो ये हमने जन्म की राशि के आधार पर ये फलादेश आपको दिया है। बाकी विशेष जानकारियों के लिए या किसी भी कष्ट, परेशानी, पीड़ा के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं प्रदान करके और हमारे कार्यालय के द्वारा या हमारे द्वारा जो भी सेवाएं हैं उनको लेकर के आप लाभ ले। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।